everyone. Today we are going to start our next chapter, that is the making of a scientist. This is the sixth chapter of class 10th from the book Footprints Without Feet. The making of a scientist. So what this chapter is all about? ये जो chapter है वो किसके बारे में? Making of a scientist में जो एक scientist है वो किस तरीके से वो बनता है. जो main character है इस story का वो है Richard Arkwright. जो Richard Arkwright है उसने अपनी जो story है उसमें बताई है कि किस तरीके से वो जो है एक साइंटिस्ट बने थे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. इसको स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट हम रीड करते हैं कि उसके बारे में क्या जो इंट्रोडक्शन है वो दी गई है. तो जो राइटर है वो कहते हैं रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेयरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. जो रिचर्ड एब्राइट है जो कि एक साइंटिस्ट है, उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से जो दो हैं वो सरले स्कॉलर अवार्ड है और शेयरिंग प्लो अवार्ड है बायोकेमिस्ट्री के लिए, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए उनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने उसके अंदर काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए थे, डिस्कवरीज की थी. इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज. फैसिनेशन मीन्स लाइकिंग. वो उसकी लाइकिंग थी बटरफ्लाइज के लिए. दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसकी वजह से जो साइंस की दुनिया है वो उनके लिए खुल गई थी. ठीक है, कैसे खुल गई थी वो अभी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. रीड एंड फाइंड आउट. जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए गए हैं, आपको ये रीड करने हैं और इनके आंसर्स जो हैं वो नेक्स्ट कुछ पैराग्राफ्स में आपको दिए हुए हैं जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ. किस तरीके से जो एक बुक है वो रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट मीन्स जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ थी उसमें एक नया मोड़ आ गया था. तो किस तरीके से एक बुक ने उनकी लाइफ में एक नया मोड़ ला दिया था, तो वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा. हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम. और उसकी जो मदर है उसने उसको किस तरीके से हेल्प किया था. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, दैट हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम और व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय हर मदर इन एब्राइट्स लाइफ. तो जब भी आता है तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. इनके आंसर्स हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं. एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर. स्काउट होता है एक जो एसोसिएशन होती है उसका मेंबर, जो स्काउट एसोसिएशन होती है उसका मेंबर. कहते हैं जब वो 22 ईयर्स के थे. फॉर्मर मीन्स जो पहले, फॉर्मर मीन्स पहले, पहले जो स्काउट ऑफ द ईयर है. एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क्स. मतलब उन्होंने जो पूरी दुनिया को, जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उस साइंस की पूरी दुनिया को उन्होंने हिलाकर रख दिया था अपनी जो नई थ्योरी थी उससे. और जो उनकी नई थ्योरी थी वो क्या थी कि जो सेल्स हैं, जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं. मतलब इसके ऊपर उन्होंने डिस्कवरी की थी और वो पहले ऐसे बन गए थे जिन्होंने कि पूरी जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उसको हिलाकर रख दिया था. Richard H. Arkwright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of National Academy of Science. जो Richard H. Arkwright थे और उनके जो एक college roommate थे, मतलब college में साथ पढ़ने वाले, उनके जो room share करते थे, उन्होंने एक theory को explain किया था एक article के through in the Proceedings. Proceedings होते हैं जो national, मतलब reports publish होती है. ठीक है, तो उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में, और उन्होंने उसमें अपनी जो ये न्यू थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी, हाउ सेल वर्क्स, उसको एक्सप्लेन कर दिया था, जिसकी वजह से जो पूरा साइंस का वर्ल्ड था उसके अंदर एक नई जो थी एक्साइटमेंट आ गई थी, नई क्यूरोसिटी जाग गई थी, यानी कि हलचल मच गई थी. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. जो प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस थी, इट्स अ काइंड ऑफ जर्नल. जर्नल मतलब जो मैगजीन, मतलब मंथली आती है या 15 डेज में आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल. कहते ऐसा पहली बार हुआ था कि जब एक साइंटिफिक, मतलब ये जो साइंटिफिक जर्नल थी, ये जो साइंस के ऊपर रिलेटेड मैगजीन थी, ऐसा पहली बार हुआ था कि इन्होंने जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उनका जो वर्क था, उनकी जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनको पब्लिश किया था. इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं, कहते हैं कि
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मतलब अगर हम गेम्स की बात करें तो सबसे पहले किसी ने सबसे बड़ी लीग बनाई। सबसे बड़ी लीग बनाने का मतलब होता है कि मतलब इतनी टफ कंपटीशन में बहुत सारे रिवॉर्ड्स जीते हों। तो कहते हैं जैसे स्पोर्ट्स में किसी ने मतलब अपने जो अपनी काबिलियत है उसको सिद्ध किया हो एट द एज ऑफ 15, मतलब 15 की एज में, और उन्होंने मतलब काफ़ी सारे अवार्ड्स विन कर लिए और हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और मतलब पहली ही बारी में मतलब उन्होंने जो होम रन, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि मतलब वो जो इन्वेंशन थी, वो जो एक्सपेरिमेंट था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि स्पोर्ट्स की दुनिया में कोई एक नया बंदा एंटर करता है और वो 15 की एज में काफ़ी सारे अवार्ड्स जीत लेता है, और वो इतने अवार्ड्स जीत लेता है कि मतलब वो होम रन क्या होता है, इज़ अ गेम ऑफ बेसबॉल इज़ वेन द बैटर स्कोर अ रन आफ्टर रनिंग सेफली अराउंड ऑल बेसिस। मतलब वो जो बेसबॉल में खेलते हैं ना कि हिट किया और उसके बाद वो पूरा राउंड लगाकर वापस आ गए, तो कहते हैं वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि गेम में किसी ने हिट किया हो और पहली बार में ही मतलब वो रन करके वापस अपने घर में आ गया और वो जीत गया और काफ़ी सारे अवार्ड्स जो वो जीत चुका हो। तो उन्होंने जो उनकी अचीवमेंट थी उसको स्पोर्ट्स के साथ कंपेयर किया है, राइट। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। कहते हैं अगर रिचर्ड एब्राइट के बारे में बात करें तो वो उनकी सबसे पहली अचीवमेंट थी साइंस की स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में मतलब उन्होंने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स की थी लेकिन ये जो अचीवमेंट थी वो सबसे पहली थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी इसी तरीके से अचीवमेंट की थी साइंस में और दूसरी फील्ड्स में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। कहते हैं ये जो अचीवमेंट है ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बटरफ्लाइज से। बटरफ्लाइज मीन्स तितली। An only child, Ebright grew up north in Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. अब वो बताते हैं Ebright के बारे में बता रहे हैं राइटर कि वो अपने पेरेंट्स का इकलौता ही बच्चा था, मतलब उसके कोई भाई बहन नहीं थे, वो सिर्फ ओनली चाइल्ड मीन्स इकलौता ही बच्चे थे अपने पेरेंट्स का, और वो कहाँ पर रहता था, रीडिंग के नॉर्थ पार्ट में Pennsylvania में। रीडिंग भी नेम है एक प्लेस का और Pennsylvania भी एक प्लेस का नाम है, तो रीडिंग के नॉर्थ में Pennsylvania नाम के एक प्लेस पे वो रहते थे और वो अकेले ही बच्चे थे अपने पेरेंट्स के, उनका और कोई भाई बहन नहीं था। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर ही सेड। कहते हैं वहाँ पर मेरे पास करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। एब्राइट बताते हैं आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, क्योंकि वो अकेले ही थे, उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे उनके साथ के ज़्यादा। तो कहते हैं कि मतलब वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो ना फुटबॉल खेल सकते थे ना बेसबॉल खेल सकते थे, क्योंकि एक बंदे की टीम में कोई कैसे फुटबॉल या बेसबॉल खेल सकते, क्योंकि वो अकेले ही थे, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, उसका कोई भाई बहन नहीं था, तो वो इस तरह के गेम्स कभी भी नहीं खेल पाते थे जब वो छोटे बच्चे थे। बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। कहते लेकिन एक काम था जो मैं कर सकता था, वो क्या था, चीज़ों को कलेक्ट करना, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कलेक्ट करना उन्होंने अपनी हॉबी बना लिया था। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, वो उन्होंने वही किया और हमेशा उन्होंने वही किया। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन मींस केजी जो स्टैंडर्ड होता है, कहते उन्होंने केजी स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। उन्होंने क्या स्टार्ट करना क्या करना शुरू किया, बटरफ्लाइज़ को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया उसी डिटर्मिनेशन के साथ, और उसी की वजह से जितनी भी जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उनको मार्क किया जाता था। यानी कि वो बहुत स्ट्रांग दृढ़ निश्चय के साथ जो बटरफ्लाइज थी उन्होंने उनकी सारी स्पीशीज़ को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स फॉसिल्स एंड कॉइन्स। बटरफ्लाइज़ के साथ साथ वो और क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते थे, रॉक्स कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की जो बच जाता है, फॉसिल फ्यूल्स आपने पढ़ा भी होगा साइंस में, तो वो जो फॉसिल्स थे वो रिमेन्स को वो इकट्ठा करते थे, कॉइन्स इकट्ठा करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और वो बहुत ज़्यादा ईगर मीन्स इच्छुक को होते हैं जिस किसी चीज़ को करने के, एस्ट्रोनॉमर बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब प्लैनेट्स वगैरह को भी देखते थे। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी वो क्या करते थे, सारी रात जो है वो जो स्टार्स जो तारे थे उनको देखते रहते थे। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं, एस्ट्रोनॉमर मीन्स दोज हु स्टडी द
प्लैनेट जो प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, तो कहते हैं कि वो सारी रात कई बार क्या करते थे, सारी रात वो जो स्टार्स थे उनको देखते रहते थे। और क्योंकि उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं था, इसीलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, रॉक्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, फॉसिल्स को, और उसके साथ साथ जो क्वाइंस होते हैं उनको भी। कहते हैं कि वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर थे, बहुत ही क्यूरियस एस्ट्रोनॉमर थे, जिनके अंदर जो प्लैनेट्स हैं उनको बारे में जानकारी इकट्ठे करने के लिए वो काफ़ी क्यूरियस थे, और कई बार वो सारी रात जो थी वो स्टार्स को देखते भी रहते थे। आगे वो कहते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। कहते हैं कि शुरू से ही मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी चीज़ों को जानने की, और उनका माइंड जो था वो काफ़ी ब्राइट था, ब्राइट मीन शार्प माइंड, बहुत तेज़ दिमाग वाले इंसान थे वो। He also had a mother who encouraged his interest in learning. कहते हैं उनकी एक माँ भी थी जो उनको हमेशा प्रोत्साहित करती थी, मतलब नई चीज़ें सीखने के लिए, उनके जो इंटरेस्ट की चीज़ें थी उनको सीखने के लिए वो हमेशा उनको इनक्रेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी। She took him on trips, bought him telescopes, microscope, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. ये थी क्योंकि वो उनको हमेशा इनक्रेज करती थी, इसलिए उनको वो हमेशा कहाँ पर ले जाती थी, ट्रिप्स पे, एजुकेशनल ट्रिप्स पे, मतलब जहाँ से उनको कुछ सीखने को मिला ऐसे ट्रिप्स पे लेकर जाती थी। उन्होंने उनके लिए टेलीस्कोप ला दिया था, माइक्रोस्कोप ला दिया था, कैमराज ला दिए थे, और जो जिसे माउंटेनियरिंग करते हैं वो सारे मटेरियल्स उन्होंने उनको ला कर दिए थे, और काफ़ी सारे दूसरे इक्विपमेंट जो कि उनको हेल्प करते थे काफ़ी दूसरे तरीक़ों से। इट वॉज इज ओनली companion until he started school. Sorry, I was his only companion until he started school, his mother said. उसकी जो मदर है वो बताती है कि मतलब मैं ही उसकी अकेली दोस्त होती थी एल्ब्राइट की, जब तक कि उन्होंने जो स्कूल है वो जाना शुरू नहीं कर दिया। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। कहती है जैसे उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो उसके बाद मैं उनके दोस्तों को घर पर ले आती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। कहते लेकिन रात को हम दोनों ही एक साथ कुछ चीज़ें करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। कहते हैं कि जो रिची थी वही मेरी पूरी ज़िंदगी थी जब उसके फादर मर गए थे। जो रिची था जब थर्ड ग्रेड में था तो उसके फादर जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो कहती है कि उसके बाद जो रिची था वही मेरी पूरी ज़िंदगी बन गई थी, और क्योंकि वो अब उनके मतलब उनके बेटे के सिवा उनकी फैमिली में और कोई नहीं था, तो ही वॉज द ओनली वन हु बिकम्स हर होल लाइफ। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम। जो राइटर है वो बताता है कि जो उसकी मदर थी वो और उसका बेटा, मतलब हर इवनिंग को, हर शाम को वो दोनों एक साथ ही जो डाइनिंग रूम था उस पर एक साथ ही टाइम स्पेंड करते थे। If I did not have things to do, I found work for him. उसकी माँ बताती है, उसकी मदर बताती है ब्राइट की कि अगर उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढ कर उसको देती थी। Not physical work, but learning things. कहते हैं physical work नहीं, मतलब ऐसा काम नहीं जो physically करा जाए, लेकिन मैं उसको ऐसे काम असाइन करती थी जिसमें कि उसको सीखने को काफ़ी मिलता था, लर्निंग के लिए चीज़ें मिलती थी। His mother said, उसकी जो माँ है वो बताती हैं। He liked it, he wanted to learn. कहते उसको वो काफ़ी पसंद आती थी और वो उनको सीखना चाहता था, याद करना चाहता था। And learn he did. कहते हैं और वो उसको याद भी करता था बहुत अच्छे से, जो भी वो लर्निंग वर्क उसको एक्स्ट्रा वर्क असाइन करती थी उसकी मदर, तो वो उसको अच्छे से करता भी था। He earned top grades in school. On everyday things he was just like every other kid. वो कहती कि मतलब स्कूल में उसको काफ़ी अच्छे ग्रेड्स मिलते थे, यानी कि टॉप ग्रेड्स मिलते थे, ए प्लस जो होते हैं कहता, और बाकी सारी चीज़ों में वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि दूसरे बच्चे होते, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था दूसरे कामों में, लेकिन स्कूल में उसको जो ग्रेड्स थे, जो उसके मार्क्स थे, वो बहुत अच्छे आते थे। हिज मदर सेड, उसकी माँ बताती है। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। कहते हैं कि इस टाइम के साथ साथ जब वो सेकेंड ग्रेड में आते हैं तो जो एब्राइट थे उन्होंने जितनी 25 स्पीशीज़ होती है बटरफ्लाइज़ की, तो कहते हैं वो 25 जो स्पीशीज़ थी बटरफ्लाइज़ की उनको कलेक्ट कर लिया था, जो कि उनके होम टाउन यानी कि जो रीडिंग पेनिनसिल्वानिया जहाँ पर वो रहते थे, तो उनके आसपास जितनी भी पाई जाने वाली प्रजाति थी बटरफ्लाइज़ की, 25 स्पीशीज मीन्स प्रजाति, तो 25 स्पीशीज पाई जाती थी वहाँ पे, तो उन्होंने जो 25 स्पीशीज थी उनको कलेक्ट कर लिया था। ठीक है,
यहाँ पे कुछ आपको नेम्स दिए हुए हैं बटरफ्लाइज की स्पीशीज़ की, ये चार्ट जो दिया हुआ है इसमें, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक इन रीडिंग पेनिनसिल्वेनिया। ये सारी जो स्पीशीज़ थी 25 और उनकी जो सब स्पीशीज़ थी उन्होंने कलेक्ट कर लिया था। गॉट इट? देन इज सेइंग दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सैड। अब वो जो ब्राइट है वो बताते हैं कि प्रॉबेबली मीन्स शायद, कि वो शायद मतलब वहाँ पे मैं जो बटरफ्लाई थी उनको कलेक्ट करना बंद कर देता, मतलब क्योंकि मैंने सारे स्पीशीज को कलेक्ट कर लिया था तो शायद वो मेरा अंत होता बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का। बट लेकिन देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रंस बुक कॉल द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एग्स। कहते लेकिन जो मेरी माँ थी ना उसी टाइम पर मेरे को एक बच्चों के पढ़ने वाली जो बुक थी वो लेकर आई, और उस बुक का क्या नाम था, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एग्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। कहती है ये वो बुक थी जो हमें ये बताती है कि जो मोनार्च क्या है, बटरफ्लाई का नाम है। ये बुक हमें ये बताती है कि जो मोनार्च बटरफ्लाइज हैं वो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट करती हैं, माइग्रेट में शिफ्ट कर जाना किसी जगह पर, जो सीजन, जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं जैसे ही सीज़न चेंज होता है। तो जैसे ही वहाँ पे सीज़न चेंज होता था तो जो मोनार्च बटरफ्लाई थी वो कहाँ पर माइग्रेट हो जाती थी, कहाँ पर चली जाती थी, सेंट्रल अमेरिका में। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा तो उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, जिसकी वजह से मतलब जो वो पूरी दुनिया है साइंस की वो इस यंग कलेक्टर के लिए, जो ये यंग साइंटिस्ट था इसके लिए उसने जो साइंस के दरवाजे थे वो उसके लिए खोल दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर हमें यहाँ पर मिल गया कि किस तरीके से जो एक बुक है उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गई थी। उनके लिए टर्निंग पॉइंट इसलिए बन गई थी क्योंकि उस बुक से उनको ये पता चला था कि जो मोनार्च बटरफ्लाइज हैं वो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट करती हैं, एंड ड्यू टू दैट बुक द डोर ऑफ वर्ल्ड ऑफ साइंस वॉज ओपन फॉर दिस यंग कलेक्टर। गॉट इट? Now he is saying that at the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. कहते हैं जो बुक थी जैसे ही वो ख़त्म होती है तो उसके एंड में जो रीडर्स थे जो उसको पढ़ने वाले थे उनको इनविटेशन दिया गया था कि वो जो बटरफ्लाई का माइग्रेशन है उसकी स्टडी करने में, उसके एक्सपेरिमेंट करने में जो रीडर है उसको हेल्प की जाए। They were asked to tag butterflies for research. Tag होता है मतलब किसी चीज़ के ऊपर वो चिपका देना कुछ भी, और उसके ऊपर कुछ लिख देना, उसको क्या बोलते हैं टैग। कहते हैं उस बुक में ये लिखा गया था जो रीडर्स हैं उनके लिए टू टैग बटरफ्लाइज, जो बटरफ्लाइज हैं उनको टैग किया जाए। कौन सी बटरफ्लाइज को? मोनार्च बटरफ्लाइज को। फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट। क्योंकि वो जो बुक थी वो डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ने लिखी थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने एट द एंड ऑफ द बुक ये मेंशन किया था कि जो बटरफ्लाइज हैं उनको टैग करना है रिसर्च पर्पज़ के लिए, ताकि जो डॉक्टर फ्रेडरिक की रिसर्च है उसमें हेल्प हो सके। और जो डॉक्टर फ्रेडरिक है वो कौन है? ही इज़ द प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। अ ब्राइट्स मदर रॉट टू डॉक्टर अर्कहार्ट एंड सून अ ब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्च। कहते हैं कि जो उसकी मदर थी एब्राइट की जो मदर थी उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा, और जल्दी जो है वो एब्राइट जो थे उन्होंने अपना जो वो स्टडी थी उसको शुरू कर दिया बाय अटैचिंग लाइट एडहेसिव। एडहेसिव होता है चिपकने वाले, मतलब जो स्टिक हो जाते हैं, अदरवाइज तो मतलब जैसे टेप होती है वो चिपक जाती है ना, डबल साइडेड टेप होती है तो चिपक जाती है। तो उसी तरीके से जो टैग्स थे उन्होंने बटरफ्लाइज के ऊपर लगाने शुरू कर दिए थे, मोनार्च बटरफ्लाई के विंग्स के ऊपर। और उन टैग्स के ऊपर उन्होंने क्या लिखा था? एनी वन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट। और उसके ऊपर लिखा था कि जिसको भी वो जो बटरफ्लाई टैग्ड बटरफ्लाई है वो मिलती है वो किसको भेज दी जाए? डॉक्टर अर्कहार्ट को भेज दी जाए, मतलब उनके पास उस बटरफ्लाई को सेंड कर दिया जाए ताकि उनकी जो स्टडी है उसमें उनकी हेल्प हो सके। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। कहते हैं जो बटरफ्लाई को इकट्ठा करने का सीज़न है वो रीडिंग में स्टार्ट होता है, मतलब वो रीडिंग में 6 हफ्तों तक रहता है। और वो कब शुरू होता है? समर के आखिर में, समर के जो लास्ट डेट होते हैं ना, लेट समर में वो 6 वीक्स तक जो बटरफ्लाइज हैं वो बनती हैं, और उसी टाइम पे वो जो सीज़न है वो सिर्फ 6 हफ्तों तक रहता है। और इसका जो ग्राफ है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन
किया हुआ है, ये जो काइंड ऑफ बटरफ्लाइज है उनका जो पूरा मतलब एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, वो इसमें आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट वो कहता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर आप बटरफ्लाई को पकड़ने जाओगे, एक को पकड़ने जाओगे, तो मतलब आप कितनी सारी बटरफ्लाइज को कैच कर पाओगे, आप उनको नहीं कर पाओगे। चेज मीन्स पीछे जाना, क्योंकि जैसे उनके पास जाते तो वो उड़ जाते हैं। तो कहता है कि अगर एक एक को कैच करते तो मतलब बहुत सारी जो बटरफ्लाइज थी उनको इकट्ठा करना मुश्किल था। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए जो एब्राइट थे उनका जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था कि जो बटरफ्लाइज है उनको अपने घर में ही रेज करना, उनको घर में ही मतलब पालना है। फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक जो है वो कलेक्टिव नाउन है जो कि मतलब ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज के लिए यूज़ किया गया है। He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in the basement through their life cycle. उन्होंने क्या किया, एक जो फीमेल मोनार्च, मोनार्च क्या बटरफ्लाई का नाम है, उन्होंने एक फीमेल बटरफ्लाई को पकड़ा, उसके जो एग्स थे उसको ग्रो किया और जो बेसमेंट थी मतलब उसमें उसके जो एग्स थे उसको रख दिया और उनको रेज करना शुरू कर दिया थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल से। जो बटरफ्लाई है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, वो पहले एग्स होते हैं, फिर कैटरपिलर होता है, फिर प्यूपा होता है, उसके बाद वो बटरफ्लाई बनती है। तो उसने जो एक मोनार्च फीमेल बटरफ्लाई थी उसको अपनी बेसमेंट पर रख दिया उसके एग्स को, और उसके बाद उनका जो लाइफ प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया, उसको रेज करना उसने शुरू कर दिया। द लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर टू प्यूपा, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, और प्यूपा से जो एडल्ट एक बड़ी बटरफ्लाई बनती है वो। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई फ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो। और उसके बाद उसने क्या किया, जो बटरफ्लाईज के विंग्स थे उनको टैग कर दिया और उनको जाने दिया, उड़ने दिया। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट। कहते हैं कि काफ़ी सारे सालों तक उनकी जो बेसमेंट थी वो बटरफ्लाईज, जो मोनार्च बटरफ्लाई था उनका घर बनकर रह गई थी, और वहाँ पे काफ़ी सारी बटरफ्लाईज इकट्ठी हो गई थी अलग अलग स्टेजेस में। अलग अलग स्टेजेस कौन सी थी, कुछ एग्स थे, कुछ कैटरपिलर थे, कुछ प्यूपा थे और कुछ कंप्लीट बटरफ्लाईज थी। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज, इट्स टेडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, एम्ब्राइट सेड। कहते हैं इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे जो मेरा इंटरेस्ट था बटरफ्लाईज को टैग करने में वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। इट्स टेडियस, टेडियस मीन्स वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस था और थका देने वाला प्रोसेस था। एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, और उसका बहुत ज़्यादा फीडबैक भी नहीं आ रहा था। एम्ब्राइट सेड, एम्ब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, कहते हैं कि सारा टाइम मतलब मैं ये करता था, ही लाफ्ड, वो हंसने लगे, Only two butterflies I had tagged were recaptured. कहते हैं जितनी भी मैंने butterflies को tag किया था उसमें सिर्फ दो butterflies ऐसी थी जिनको कि capture किया गया था, जिनको कि वापस पकड़ा गया था, जो कि किसी को मिली थी। And they were not more than 75 miles from where I lived. कहते वो भी बहुत ज़्यादा दूर तक लोगों ने उसको नहीं पकड़ा था, मेरा जो place था वहाँ से सिर्फ 75 miles दूर ही जो थे उनको पकड़ा गया था। यानी कि वो सेंट्रल अमेरिका तक नहीं पहुंच पाई थी, सिर्फ 75 माइल्स अवे तक ही पहुंची थी, और वो भी सिर्फ दो बटरफ्लाइज ऐसी थी जिनके ऊपर टैग था और वो पकड़ी गई थी। गॉट इट? सो फर्स्ट पार्ट हियर वी हैव एंड, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो फिनिश होता है। जो सेकंड पार्ट है हम स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए, तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चंस आर। व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर। कौन सा लेसन जो है ब्राइट था उसने सीखा था जब उन्होंने साइंस फेयर में कुछ भी नहीं जीता था। व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स और जो प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने किए थे उसके बाद। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। जो एक अच्छा साइंटिस्ट है उसको बनने के लिए कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं। इनके आंसर्स अभी हम नेक्स्ट कुछ पैराग्राफ्स में रीड करेंगे। आगे वो कहता है कि देन इन द सेवन्थ ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। कहते उसके बाद जब वो सेवन्थ ग्रेड में थे तब उनको सच में पता चला कि जो रियल साइंस है वो क्या होती है। व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर। काउंटी होता है रीजन, मतलब रीजनल जो है, जैसे डिस्ट्रिक्ट होती है फिर स्टेट होती है। तो कहते उन्होंने एक रीजनल साइंस फेयर के अंदर पार्टिसिपेट किया था एंड लॉस्ट, और उसके अंदर वो हार गए थे।
It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. कहते वो एक बहुत sad feeling थी, वो उदास होने वाली feeling थी वहाँ पर बैठना एंड कुछ भी ना जीतना, एंड नॉट गेट एनी थिंग, और कुछ भी ना जीतना, वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, जबकि बाकी के सारे जो बच्चे थे वो कुछ ना कुछ जीत रहे थे, उनको कोई ना कोई प्राइज़ मिला था. तो कहते हैं उस समय पे वहाँ पर बैठे रहना, कुछ प्राइज़ ना जीतना, वो बहुत ही सैड सी फीलिंग थी, उदास कर देने वाली फीलिंग थी, जो ब्राइट है वो कहते हैं. हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज. कहते हैं कि उन्होंने जो एंट्री की थी वहाँ पे, उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर उन्होंने कुछ स्लाइड्स बनाई थी जो फ्रॉक टिश्यूज थे उसके ऊपर, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप. जिन और वो जो स्लाइड्स थी उन्होंने सबको जो एक माइक्रोस्कोप था उसके थ्रू दिखाई थी. ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स एंड नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले. उनको रियलाइज हुआ उस साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने के बाद कि जो विनर्स थे, जिन्होंने प्राइज़ जीता था कुछ ना कुछ, उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट, मतलब रियल लाइफ में जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे वो किए थे, ना कि सिर्फ डिस्प्ले किया था, ना कि सिर्फ कुछ स्लाइड शो की थी जैसे कि रिचर्ड एब्राइट ने किया था. तो इट वाज अ ग्रेट लेसन फॉर हिम, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा लेसन था कि जो साइंस है वो किसके बारे में, वो एक्सपेरिमेंट्स, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के बारे में, ना कि सिर्फ डिस्प्ले करने में, शो करने में. डिस्प्ले मीन्स दिखाना किसी चीज़ को. Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. कहते जो एक कॉम्पिटिटिव स्प्रिट थी जो कि रिचर्ड एब्राइट को ड्राइव करती थी, मतलब उसके अंदर जो कॉम्पिटिशन की भावना थी वो एकदम से जागृत हो गई थी. अपियरिंग मीन्स वो सामने आ गई थी. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment. कहते मैं जानता था, जो एब्राइट है वो बताते कि मैं जानता था कि अगले साल मुझे जो फेयर में आना है तो मुझे कुछ रियल लाइफ के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो करके दिखाने पड़ेंगे. ही सैड, उन्होंने वो बताते हैं. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बिन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. कहते जो एक सब्जेक्ट जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, जिसके बारे में मुझे सबसे अच्छी नॉलेज थी, वो थी इंसेक्ट्स, मतलब कीड़े, और जिनके ऊपर मैं पिछले कुछ सालों से काम भी कर रहा था. सो ही रॉट टू डॉक्टर अर्कहार्ट, जिसकी बुक उन्होंने पढ़ी थी ना मोनार्च एक्स, तो वो उन्हीं डॉक्टर को मतलब लेटर लिखते हैं फॉर आइडियाज़ के लिए कि वो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें. एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट. स्टैक्स मीन्स ढेर लग जाना, और मतलब बदले में उनको काफ़ी सारे जो सजेशंस थे एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो डॉक्टर अर्कहार्ट ने उनको दे दिए थे. Those kept Ebright busy all through high school and led a prize project in country, county and international science fair. कहते हैं वो जो ideas थे उनकी वजह से जो Ebright थे वो अपने high school तक busy रहे थे, और उन्होंने काफ़ी सारे जो projects उन ideas के ऊपर किए थे county में और international science fair में, उसकी वजह से उनको काफ़ी सारे prizes भी मिले थे. For his eighth grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. कहते जब वो एट ग्रेड में थे तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि एक जो वायरल डिजीज़ है उसकी वजह से जो मोनार्च कैटरपिलर्स हैं वो हर साल मर जाते हैं. काफ़ी सारे जो कैटरपिलर्स हैं वो एक वायरल डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. जो Ebright थे उनको लगता था कि वो जो वायरल डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है, बीटल की वजह से. बीटल जो एक इंसेक्ट होता है उसकी वजह से वो बटरफ्लाइज में फैलती है. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. इसलिए उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो caterpillars थे उनको beetles की प्रेजेंस में रेज करना स्टार्ट कर दिया. I didn't get any real results, he said. कहते कि मेरे को मतलब उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, मतलब उस बीटल की वजह से कोई भी कैटरपिलर मरा नहीं. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. लेकिन मैं आगे बढ़ा और मैंने जो काउंटी फेयर था उसमें ये शो किया कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट है ये करके देखा है. This time I won, कहता, और इस बार जो था वो मैं प्राइज़ जीत गया था. The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. कहता अगले साल यानी कि 9th grade में उन्होंने एक साइंस फेयर में जो एक प्रोजेक्ट था वो शो किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने एक टेस्ट किया एक थ्योरी के ऊपर कि जो viceroy बटरफ्लाई है, viceroy जो है वो नाम है एक बटरफ्लाई का,
तो कहते जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई है वो किसको कॉपी करती है, किसकी नकल करती है? मोनार्च की नकल करती है, मोनार्च जो बटरफ्लाई है उसकी नकल करती है। ये दोनों बटरफ्लाई सेम सेम दिखती है, एक वॉइसरॉय है एक मोनार्च है। हाउ इज़ द मोनार्च बटरफ्लाई डिफरेंट फ्रॉम द वॉइसरॉय बटरफ्लाई बॉटम? वॉइसरॉय जो है वो नीचे वाली है और मोनार्च जो है वो ऊपर वाली है। तो उन्होंने इस बार जो मतलब अपना प्रोजेक्ट था उसमें ये शो किया कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई है वो किसको किसकी नकल करती है? मोनार्च बटरफ्लाईज की नकल करती है। द थ्योरी वॉज दैट वॉइसरॉय लुक्स लाइक मोनार्च बिकॉज मोनार्च डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब वो क्यों उनकी नकल करती है कि वो जो वॉइसरॉयज हैं वो मोनार्च की तरह दिखना चाहती है? क्योंकि जो मोनार्च है वो बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती है, मतलब जो बर्ड्स का टेस्ट है, जो बर्ड्स हैं वो वॉइसरॉय बटरफ्लाईज को खाना चाहते हैं और मोनार्च का जो टेस्ट है वो उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो वॉइसरॉय बटरफ्लाईज हैं वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, मोनार्च बटरफ्लाईज को कॉपी करती है, उनकी तरह दिखने की कोशिश करती हैं। वॉइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, मतलब दूसरी तरफ जो वॉइसरॉयज बटरफ्लाईज हैं उनका टेस्ट जो है वो बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। कहते हैं इसलिए जितना ज़्यादा वो मोनार्च बटरफ्लाईज की तरह दिखती हैं उतना ही ज़्यादा उनके चांसेस कम होते हैं वॉइसरॉय बटरफ्लाईज के कि वो किसी बर्ड का डिनर बन सके, उनका जो रात के वो खाना बन सके। अब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्च। जो अब्राइट का प्रोजेक्ट था वो रियलिटी में ये था, ये देखना था कि सही में जो बर्ड्स हैं वो मोनार्च बटरफ्लाईज को खाती हैं या नहीं खाती हैं। He found that a starling would not eat ordinary bird food. Starling एक bird का नाम है, एक चमकता हुआ जो bird है, bright सा bird होता है। तो कहता है कि जो starling bird है वो मतलब एक ordinary bird food नहीं खाता, मतलब उसका जो खाना है वो एक आम जो पक्षी है उसके खाने से थोड़ा सा अलग है। It would eat all the monarch it could get। इसलिए जो starling bird है वो किसको खाता है? जो भी मोनार्च मतलब बटरफ्लाईज उसको मिल जाती है वो उन सारी बटरफ्लाईज को खा जाता है, जितनी भी उसको मिलते हैं वो सारी खा जाता है। अब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल श्योर दैट वॉइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्च। कहता है अब्राइट के बाद जितनी भी रिसर्च की गई थी, जो दूसरे लोगों ने रिसर्च की थी उसमें उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो वॉइसरॉयज बटरफ्लाई है वो शायद मोनार्च बटरफ्लाईज को कॉपी करती हैं। द प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिविजन एंड द थर्ड ओवरऑल इन कंट्री साइंस फेयर। कहते जो प्रोजेक्ट था मतलब वो जूलॉजी डिविजन में फर्स्ट आया था और ओवरऑल जो साइंस फेयर था, ओवरऑल जो काउंटी फेयर था उसमें वो थर्ड आया था, मतलब सारे पूरे फेयर में थर्ड आया था, लेकिन जो जूलॉजी डिपार्टमेंट था उसमें वो जो प्रोजेक्ट था उसको कौन सी पोजिशन मिली थी? फर्स्ट पोजिशन मिली थी। गॉट इट। The next writer is saying that in his second year in high school, Richard Abright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. कहते जो सेकेंड ईयर था हाई स्कूल में उसमें जो रिचर्ड थे उन्होंने एक नई रिसर्च के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था जिसमें उन्होंने एक जो अननोन इंसेक्ट हार्मोन होता है उसकी डिस्कवरी के ऊपर अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। कहते इनडायरेक्टली वो जो रिसर्च थी वो किस रिलेटेड थी? लाइफ ऑफ सेल्स, जो हमारे सेल्स होते हैं उसकी लाइफ से। The question he tried to answer was simple, what is the purpose of the 12 tiny gold spots on the monarch pupa? अब ये भी ना मतलब बटरफ्लाई से ही रिलेटेड थी। कहते हैं कि जो एक क्वेश्चन था जिसको कि वो मतलब आंसर करने की कोशिश कर रहे थे वो बहुत सिंपल सा था कि जो मोनार्च बटरफ्लाईज हैं उसके ऊपर जो छोटे छोटे 12 गोल्ड कलर के स्पॉट्स मीन्स धब्बे होते हैं वो किस लिए होते हैं। जैसे देखा होगा ना बटरफ्लाईज के जो पंख होते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे स्पॉट्स होते हैं, तो ऐसे जो मोनार्च बटरफ्लाईज होती है, जो मोनार्च प्यूपा होता है उसके ऊपर मतलब छोटे छोटे जो 12 टाइनी गोल्ड कलर के स्पॉट्स होते हैं, तो उनका पर्पस क्या है, मतलब वो किस लिए होते हैं? एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। सबको ये लगता है, सब ये मानते हैं कि वो जो स्पॉट्स होते हैं, वो जो धब्बे होते हैं उसके ऊपर वो क्या है, ऑर्नामेंटल है, मतलब सिर्फ उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए है, सजावट के लिए है। अब्राइट सैड, अब्राइट जो है वो कहते हैं, बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन जो डॉक्टर अर्कहार्ट हैं वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तो अभी जो उनका क्वेश्चन था कि फिर वो ऑर्नामेंटल नहीं है, वो सजावट के लिए नहीं है, तो फिर वो जो टाइनी स्पॉट्स है वो किस लिए हैं?
To find the answer, a bright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो एब्राइट थे और उनके जो अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट थे, जो दूसरे अच्छे बच्चे थे साइंस के, उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे कि उन्होंने कि वो ये शो कर सके कि जो स्पॉट्स होते हैं वो एक तरह का हार्मोन जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और मतलब एक तरह का हार्मोन आई होप एवरीबडी नोज व्हाट अ हार्मोन मीन्स. जो हार्मोन होता है वो एक रेगुलेटरी सब्सटेंस होता है, काइंड ऑफ मतलब एक रेगुलेटरी सब्सटेंस होता है जो एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, और जो कि मतलब हमारे जो टिश्यूज़ है उसमें फ्लूड और पहुंचाने का काम करता है, तो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना लिया जिसकी वजह से मतलब वो ये प्रूव कर सके कि वो जो स्पॉट्स होते हैं उस प्यूपा के ऊपर वो ऑर्नामेंटल नहीं होते, वो सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि उनमें से एक हार्मोन निकलता है जो कि जो बटरफ्लाइज हैं उनकी पूरी डिवेलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, और ये जो प्रोजेक्ट था इसकी वजह से जो एब्राइट थे उनको फर्स्ट प्राइज मिला था काउंटी फेयर में, एंड एंट्री इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, क्योंकि वो फर्स्ट आए थे तो इसलिए उनको एंट्री मिल गई थी इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में. देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और जो इंटरनेशनल साइंस फेयर था वहाँ पर उनको थर्ड प्लेस यानी कि तीसरी पोजिशन मिली थी जूलॉजी डिपार्टमेंट में. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. कहते हैं कि मतलब इसकी वजह से जो है उनको एक काम करने का मौका मिल गया था Walter Reed Army Institute of Research में during the summers में at the entomology होता है मतलब study of insects. जो entomology laboratory थी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की, वहाँ पर समर्स में उनको काम करने का मौका मिल गया था क्योंकि उनको थर्ड प्राइज मिला था जूलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल साइंस फेयर में. नेक्स्ट इज सेइंग, एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनाश प्यूपा. जब वो हाई स्कूल मतलब जूनियर हाई स्कूल में थे तो जो रिचर्ड एब्राइट थे वो उन्होंने अपना जो रिसर्च थी उसको कंटिन्यू रखा था, उसको आगे बढ़ाया था मोनाश प्यूपा के ऊपर, इन्होंने अपनी जो जितनी भी रिसर्च थी वो की थी, तो वहीं पर उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट था उसी को और ज़्यादा एडवांस लेवल पर वो लेकर गए थे. दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. कहते हैं इस बार भी उनको जो इस साल जो है उनको इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिला था. लास्ट टाइम उनको थर्ड मिला था जूलॉजी में, बट इस बार उसको कौन सा प्राइज़ मिला था, फर्स्ट प्राइज़ मिला था, और एक बार फिर से उनको जो आर्मी लेबोरेटरी थी वहाँ पर काम करने का मौका मिल गया था समर्स में. इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, और जब ऐसे ही वो सीनियर अभी वो जूनियर हाई स्कूल में थे, जैसे ही वो सीनियर ईयर में आते हैं तो वो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं. ही ग्रो सेल्स फ्रॉम अ मोनार्च विंग इन अ कल्चर एंड श्योर दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डिवेलप इन टू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. और उन्होंने जो अपनी एडवांस स्टडी थी उसमें ये बता दिया था कि जो सेल्स हैं मोनार्च के विंग में जो सेल्स ग्रो करते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, वो डिवेलप होते हैं एक नॉर्मल बटरफ्लाई की विंग के रूप में, और वो उनको जो हार्मोन मिलता है उनकी जो विंग्स डिवेलप होती हैं जो वो बड़े होते हैं बटरफ्लाइज वो किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि जो प्यूपा होता है उसके अंदर वो जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं उसी की वजह से जो वो बटरफ्लाई उसकी जो विंग्स हैं वो ग्रो कर पाती हैं और वो पूरी डिवेलप हो पाती हैं. दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और ये जो प्रोजेक्ट था इसको फर्स्ट प्राइज मिला था जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में.
He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory. कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने अपनी जो समर्स थी ग्रेजुएशन के बाद वो आर्मी लेबोरेटरी में रिसर्च करते हुए बताई थी. एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, आर्मी लेबोरेटरी में और जो दूसरी लेबोरेटरी थी US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, उन्होंने अपनी जो समर्स थी वो वहीं पर स्पेंड की थी. क्योंकि इस बार उन्होंने वो प्रूव कर दिया था कि जो मोनार्च की जो विंग्स हैं वो पूरी तभी डेवलप होती है जब वो जो गॉल्ड स्पॉट्स के जो हार्मोन मतलब जो है वो पूरी तरीके से डेवलप करते हैं. और वो जो हार्मोन्स हैं वो किसकी वजह से, जो हार्मोन्स हैं उनको फीड कहाँ से मिलता है, गोल्ड स्पॉट्स से. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. कहते उसके बाद जो फॉलोइंग ईयर था जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना जो फर्स्ट ईयर था एज अ फ्रेशर ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में थे, तो जो एब्राइट थे वो वापस जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी थी वहाँ पर चले गए थे. और उन्होंने जो हार्मोन्स उसके ऊपर और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था, जो वो हार्मोन्स जो कि गोल्ड स्पॉट्स से बनते थे. यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. कहता है वो जो लेबोरेटरी के एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स थी उसकी वजह से, मतलब वो जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर था उसको और ज़्यादा अच्छे से वो आइडेंटिफाई कर पाए थे, पहचान पाए थे. अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, एब्राइट गॉट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. कहता है 1.5 साल के बाद जब वो अपने जूनियर ईयर में थे, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फ्रेशर ही थे, जो एब्राइट थे उनको ये आइडिया मिल गया था नई थ्योरी का. कौन सी थ्योरी का? जो सेल लाइफ है उसकी थ्योरी का जो आइडिया था उनको मिल गया था. इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन. उसको कहाँ से वो आइडिया मिला था? जब वो मतलब हार्मोन का एक केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे देख रहे थे तो वहाँ से उनको वो जो आइडिया था वो मिल गया था. When he saw those photos, Albright did not shout. जैसे उन्होंने वो जो फोटोज़ देखे थे उनको जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर था वो पता चल गया था, तो मतलब वो मतलब चिल्लाए नहीं, वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाए नहीं यूरेका. यूरेका मतलब जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना यिप्पी याहू, तो कहते हैं कि मतलब वो बिल्कुल भी चिल्लाए नहीं, वो बिल्कुल भी उन्होंने शाउट नहीं किया. और इवन आई हैव गॉट इट, ना ही उन्होंने ये कहा कि वो मुझे मिल गया है. बट ही बिलीव दैट, लेकिन वो मतलब विश्वास करते थे. अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजिस्ट पजल. लेकिन उनका ऐसा मानना था कि मतलब ये जो फाइंडिंग्स थी उनकी इंसेक्ट्स के ऊपर, इंसेक्ट्स के जो हार्मोन्स के ऊपर, जो प्यूपा के हार्मोन्स के ऊपर उन्होंने जो अपनी रिसर्च की है और जो फोटोज और जो एक्सरे उनको उनके केमिकल स्ट्रक्चर के मिले, तो उनकी वजह से उनको जो सबसे बड़ा बायोलॉजी का पजल है उसका आंसर उनको मिल गया है. और वो क्या है? वो आंसर ये है कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ द डीएनए. किस तरीके से जो सेल्स हैं अपने डीएनए को रीड करते हैं, उसका जो ब्लूप्रिंट है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ते हैं. डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. जो हमारा एक सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं. That controls heredity, जो कि मतलब जो हेरिडिट्री मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है. कहते हैं कि जो कि हमारी जो हेरिडिटी है उसको कंट्रोल करता है. It determines the form and function of the cell, जिसकी वजह से हमारा सेल जो है वो किस तरीके से काम करेगा, वो किस तरीके से बनेगा, वो किस तरीके से फंक्शन करेगा, इसका पता चलता है. Thus, DNA is the blueprint of life. इसलिए जो DNA है वो क्या है? Blueprint है life का. अब जो है मतलब उन्होंने जो इंसेक्ट्स के ऊपर जो हार्मोन्स का स्ट्रक्चर था उससे उनको ये पता चल गया था कि जो सेल्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं. सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए होते हैं वो उसको किस तरीके से रीड करते हैं. मतलब कुछ हमारी जो आदतें होते हैं वो हेरिडिटरी हमें मिलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होती है. और किस तरीके से एक जो सेल है वो फंक्शन करता है वो किससे डिफाइन होगा? उसके डीएनए से. जो डीएनए है वो क्या है? दैट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट ही सेइंग कि जो एब्राइट और उसके कॉलेज एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स.
ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। कहते जो ब्राइट और उसके कॉलेज रूममेट थे जेम्स आर वॉन्ग, मतलब उस रात उन्होंने पूरी रात वो जो स्ट्रक्चर था उसकी पिक्चर्स को ड्रॉ किया और एक जो प्लास्टिक मॉडल था मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो बनाया, जिससे कि ये शो होता था कि किस तरीके से जो सेल्स हैं वो फंक्शन करते हैं, जो किस तरीके से जो हार्मोन्स हैं वो अपना काम करते हैं, किस तरीके से जो हार्मोन्स हैं वो डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं। टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। उसके बाद दोनों ने साथ मिलकर वो जो पेपर्स हैं उनको लिखा, जिसमें कि ये जो पूरी थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन किया गया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। कहते सरप्राइज था कि कोई भी उनको नहीं जानता था। जो रिचर्ड एब्राइट थे उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी विद हाईएस्ट ऑनर, सबसे ज़्यादा मार्क्स के साथ वो अपनी क्लास में सेकेंड आए थे और जो क्लास की स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी 1510। ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। जो ब्राइट थे वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट बने थे, उसके बाद रिसर्च मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर थे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। वहाँ पर जो उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको करना शुरू किया, जहाँ पर कि उनकी जो थ्योरी थी उनको टेस्ट किया जाता था। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, और वो जो थ्योरीज अगर मतलब सही प्रूव होती थी, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो मतलब वो एक बड़ा स्टेप थी जो लाइफ का प्रोसेस है उसको समझने के लिए। इट माइट ऑल्सो लीड अ न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज। कहते और ये जो उनकी थ्योरी थी इसकी वजह से मतलब जो आइडियाज़ थे उनके उसकी वजह से जो है वो लोगों को बचा सकती थी किससे, कैंसर से और दूसरी टाइप की बीमारियों से। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ अब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी, और ये सारा पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो अब्राइट थे उनकी जो साइंटिफिक क्यूरोसिटी थी, साइंस को जानने की जो उनकी इच्छा थी, जागरूकता थी, उसकी वजह से। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. कहते जो उनकी हाई स्कूल की रिसर्च थी जिसमें कि मतलब उनका जो पर्पज़ था वो जो स्पॉट्स थे उनका पता लगाना था मोनाश प्यूपा के ऊपर, इवेंचुअली मतलब अचानक से उनकी जो वो जो रिसर्च थी उसकी वजह से एक जो नई थ्योरी थी सेल लाइफ की वो सामने आ गई थी। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बिन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। कहते जो रिचर्ड एब्राइट है वो मतलब शुरू से ही साइंस के अंदर इंटरेस्टेड था, और जब से कि उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था तब से उनका जो इंटरेस्ट था वो साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। कहते कि इतना नहीं था कि उनके पास दूसरे जो इंटरेस्ट थे, जो दूसरी हॉबीज़ थी, उनके लिए टाइम ही नहीं था। मतलब वो अच्छे साइंटिस्ट तो थे ही थे, उसके साथ में उनकी काफ़ी सारी हॉबीज़ भी थी। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर। जो एब्राइट थे वो एक चैम्पियन डिबेटर, मीन्स जो डिबेट करते हैं एक मतलब वाद विवाद करने वाले। कहते हैं कि वो जो डिबेटर थे उसमें चैम्पियन थे, मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता में भी वो चैम्पियन थे, और काफ़ी अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, काफ़ी अच्छी वो स्पीचेस भी देते थे। एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन। कैनोइस्ट होते हैं मतलब जो बोटिंग करते हैं। कहते हैं वो अच्छे कैनोइस्ट थे, अच्छी बोटिंग करने वाले थे, और मतलब ऑलराउंड पर्सन थे, जो आउटडोर्स एक्टिविटीज़ थी वो उसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट करते थे। He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. उसके अंदर उसके अलावा उनके अंदर और क्या अच्छी क्वालिटीज़ थी कि वो बहुत अच्छे फोटोग्राफ़र थे और वो नेचर की बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स लेते थे, और उनकी जो साइंटिफिक एग्जिबिट्स थे, जो साइंटिफिक उनकी रिसर्च थी, उनके अलावा मतलब ये जो थे उनके इंटरेस्ट थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। जब वो हाई स्कूल में थे वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे, मतलब हमेशा उनका ए ग्रेड आता था हर एक सब्जेक्ट में। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्नड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। क्योंकि मतलब लर्निंग जो थी वो उनके लिए बहुत ईजी थी, और इसलिए उनकी जो एनर्जी थी वो मतलब अपनी जो एनर्जी थी वो किसकी तरफ टर्न करके रखते थे, वाद विवाद जो प्रतियोगिता होती थी, डिबेट्स होती थी, जो मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स थे उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वियरर, हिज सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स।
कहते हैं कि मतलब उनको और भी कोई वहाँ पर मिल गया था जो कि उनकी बहुत प्रशंसा करता था, उनको बहुत एडमायर करता था, और वो कौन थे? रिचर्ड ए वियरर, जो कि उनकी सोशल स्टडीज़ पढ़ाने वाले टीचर थे और उनके एडवाइज़र भी थे दोनों ही क्लब्स में, डिबेटिंग क्लब्स में और यूनाइटेड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स में. मिस्टर वियरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, ब्राइट साइड. जो ब्राइट है वो ये कहते हैं कि जो मिस्टर वियरर थे वो मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन थे, एक आदर्श इंसान थे, और उन्होंने मेरे मेरा जो माइंड था उसके मतलब उसके जो माइंड था उस मतलब उसको ओपन कर दिया था न्यू आइडियाज़ के लिए, जो ब्राइट है वो बताते हैं. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वियरर सेड. जो मिस्टर वियरर है वो उसको बताते हैं कि मतलब जो रिचर्ड थे वो हमेशा ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो थे वो काम में डालते थे. वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स अलॉन्ग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट. कहते जो वट प्लीज में वो कहते जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी देता था ये जो इंसान था, मतलब रात को कम से कम 3-4 घंटे लगाता था डिबेट्स के ऊपर रिसर्च करने में, जो उनका रिसर्च वर्क था बटरफ्लाइज के ऊपर, उसके अलावा मतलब 3 से 4 जो घंटे थे वो दूसरे रिसर्चेस डिबेट्स की रिसर्च के ऊपर लगाते थे और अपने जो दूसरे इंटरेस्ट थे हॉबीज थे उनके ऊपर स्पेंड करते थे. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटेटिव, मिस्टर वियरर कॉन्टिन्यूड. जो मिस्टर वियरर है वो मतलब बताते हैं कि जो रिचर्ड थे वो बहुत कॉम्पिटेटिव मतलब प्रतिस्पर्धा वाली भावना रखने वाले इंसान थे, बट नॉट इन अ बैड सेंस, कहते लेकिन बुरी सेंस में नहीं. ही एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करते हैं, रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज. कहते जो रिचर्ड थे वो मतलब जीतने में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं होते थे, या फिर वो जीतने के लिए ही पार्टिसिपेट नहीं करते थे, या फिर उनको जीतना सिर्फ इसलिए नहीं होता था कि उनको प्राइज चाहिए होता था. Rather he was winning because he wanted to do the best job he could. कहते कि उनको इसलिए नहीं जीतना होता था कि उनको प्राइज़ चाहिए, वो इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि वो उसमें अपना बेस्ट डालना चाहते थे. वो ये चाहते थे कि मतलब वो अपने जो जॉब है अपना जो काम है वो इतना बेस्ट तरीके से कर सके जितना कि वो कर सकते हैं. फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट. कहते सही रीजन्स के लिए वो हमेशा कैसा बनना चाहते थे? बेस्ट बनना चाहते थे. And that is one of the ingredients of in the making of a scientist. कहते हैं और ये सबसे main ingredient है, मतलब अगर आपको एक अच्छा scientist बनना है, ingredient means qualities यहाँ पर, तो आपके अंदर ये सारी qualities होनी चाहिए. कौन कौन सी qualities होनी चाहिए? Start with a first rate mind. आपको जो mind है वो बहुत ज़्यादा sharp होना चाहिए. Add curiosity, उसके अंदर चीज़ों को जानने की इच्छा होनी चाहिए. And mix in the will to win फॉर द राइट रीज़न. और उसके अलावा मतलब उसके अंदर मिक्स होना चाहिए, आपके अंदर एक विल मीन्स विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति होनी चाहिए जीतने की सही रीजन्स के लिए. इसलिए नहीं कि आपको प्राइज़ जीतना है, मतलब फॉर द राइट रीजन्स बेस्ट बनने के लिए एक जो इच्छा होती है विल पावर होती है वो होनी चाहिए. तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें यही था ना, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पर बता दिए कि फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए और क्यूरोसिटी होनी चाहिए और विल होनी चाहिए जीतने की. एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़. और जो रिचर्ड एब्राइट थे उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी. फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्श एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. कहते हैं तभी से जबकि वो जो ट्रैवल्स ऑफ मोनार्श एक्स है उसने जो साइंस के जो दरवाजे थे उनके लिए खोल दिए थे. रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरोसिटी. जो रिचर्ड एब्राइट है उन्होंने कभी भी अपनी जो साइंटिफिक क्यूरोसिटी थी उसको कभी भी ख़त्म नहीं होने दिया था जब से उन्होंने उस बुक को रीड किया था. सो दैट्स ऑल द चैप्टर. यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, सबको समझ में आया होगा. दैट्स ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.